लोकतंत्र में शिक्षा के आदर्श किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं, इसकी प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे और इसके टू पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। प्रस्तावना है कि यदि हमें अपने देश में लोकतंत्र को सफल बनाना है तो इसके लिए शिक्षण संस्थाओं को सुनियोजित ढंग से प्रयास करना होगा। यदि लोकतंत्र यानी कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा यदि लोकतंत्र सफल बनेगा तो शिक्षण संस्थानों को सुनियोजित ढंग से सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से ऐसे आदर्श विद्यार्थियों को विकसित करने होंगे जिनसे उनमें लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास हो, यानी कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आदर्श विद्यार्थियों को विकसित किया जा सकता है, आदर्श विद्यार्थियों का विकास किया जा सकता है, आदर्श विद्यार्थियों को नागरिक बनाया जा सकता है और लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को या व्यक्तियों को प्राप्त होगा या बालकों को विद्यार्थियों को प्राप्त होगा तथा अपने देश में लोकतंत्र को सफल बनाने में योगदान दे सकते हैं। अपने देश में लोकतंत्र को सफल बनाने में जो पॉइंट्स जो तत्व योगदान देते हैं उनमें स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व, सामाजिक न्याय है, धर्म निरपेक्षता आदि लोकतंत्र में शिक्षा के प्रमुख आदर्श है। यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान कर दीजिए, व्यक्ति को समानता का भाव व्यक्ति में होना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्ति में होनी चाहिए, सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता का भाव व्यक्ति में यदि है तो व्यक्ति लोकतंत्र में शिक्षा के आदर्श को प्रस्तुत कर सकता है और अपने नागरिक गुणों का वो विकास कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता का शैक्षिक आदर्श, यानी कि स्वतंत्रता का शिक्षा में आदर्श किस प्रकार से। फर्स्ट है विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा जो प्रयास किया जाना चाहिए कि बालक के व्यक्तित्व को विकसित होने में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाए, यानी कि विद्यालय में जो अध्यापक है उन अध्यापकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि बालक के व्यक्तित्व का विकास करने के उसको पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, यानी कि बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, बालक उसे स्वतंत्रतापूर्वक अपनी रुचि से, उसकी इच्छा से, उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि बालक को विद्यालय में स्वतंत्रतापूर्वक छोड़कर उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसे शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। बालक के व्यक्तित्व का दमन न हो ऐसी शिक्षा उसको प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि बालक के व्यक्तित्व का दमन न हो, उसके व्यक्तित्व को ठेस न पहुँचे, उसके मन को कोई ठेस न पहुँचे, ऐसा व्यक्तित्व बालक में विकसित किया जाना चाहिए और उस पर अपने विचार नहीं थोपे जाने चाहिए। यानी कि एक शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि अपने विचार बालक पर नहीं थोपने चाहिए, साथ में इससे उसका व्यक्तित्व कभी भी ऊपर नहीं पाएगा। अगर एक अध्यापक के द्वारा बालक के व्यक्तित्व पर या बालक पर अपने विचार थोपे जाएंगे तो उस बालक का व्यक्तित्व कभी भी उभर कर सामने नहीं आ पाएगा, उसकी प्रतिभाएं कभी भी उभर कर सामने नहीं आ पाएगी और ऐसे में वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा और हीन भावना से ग्रस्त होने के बाद उसकी प्रतिभाएं निखर नहीं पाएगी। इसके लिए एक शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि वो बालकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्रदान करे, यानी कि एक शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक बालक को वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करे, बालकों के विचारों को सुनने का प्रयास करे, बालकों की इच्छाओं को जानने का प्रयास करे। इस प्रकार स्वतंत्रता का शैक्षिक आदर्श बालकों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है समानता का शैक्षिक आदर्श, यानी कि समानता का शैक्षिक आदर्श किस प्रकार से एक अध्यापक प्रस्तुत कर सकता है। तो समाज में जो फैले विषमताओं से मतलब है विसंगतियां हैं या कुरीतियां हैं, तो समाज में फैली विषमताओं को दूर करके विद्यार्थी विकास के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी कि समाज में जो भी विसंगतियां फैली हुई है या असामाजिक तत्व या ये कहा जा सकता है कि जो विषमताएं फैली हुई है उन विषमताओं को विद्यार्थी के विकास के समान अवसर प्रदान करके इसको दूर किया जा सकता है। यानी प्रत्येक विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके विसंगति को दूर किया जा सकता है, समस्याओं को दूर किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से बालक में समानता की भावनाओं का विकास होता है। बिल्कुल कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बालक में समानता का विकास होता है। ऊंच नीच छोटे बड़े की भावना वर्ग संघर्ष जाति संघर्ष आदि को जो बढ़ावा मिलता है उसके स्थान पर उसको समाप्त किया जाना चाहिए। यानी कि एक अध्यापक को जो प्रत्येक बालक में ऊंच नीच की भावना है, भेदभाव की भावना है, वर्ग संघर्ष की भावना है, वर्ग जाति की भावना है, इन वर्ग जाति वर्ग संघर्ष की भावना के स्थान पर बल्कि उनको समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही देश के बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा